अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर को लेकर धन संचय अभियान शुरू हो गया है। 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलने जा रहे इस अभियान के दौरान करीब 13 करोड़ परिवारों से धन संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रमुख विनायक राव को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रूपये का चेक भी सौंपा। इसके साथ ही कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह कर रही है। देखते हैं इस अभियान पर एक रिपोर्ट। फिर माहौल राममय है। ठीक वही माहौल नजर आ रहा है जो 90 के दशक में राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान नजर आया था। ये माहौल रामनगरी अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए शुरू हुए धन संग्रह अभियान से है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और बीएचपी ने मिलकर देश भर में राम मंदिर के निर्माण के लिए धन जुटाने का अभियान शुरू किया। ये अभियान करीब 1.5 महीने तक चलेगा और इसके तहत देश भर में करीब 13 करोड़ के परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यानी एक तरह से औसतन एक परिवार में 5 लोग माने जाएं, तो इस 1.5 महीने के दौरान करीब 65 करोड़ लोगों तक पहुंचने की तैयारी की गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निधि समर्पण अभियान के केंद्रीय सह अभियान प्रमुख विनायक राव को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस मौके पर बोलते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देकर वो अपने जीवन को सफल और सार्थक मान रहे हैं। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे मानव जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी। राम मंदिर नहीं, सचमुच में राष्ट्र मंदिर है। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और राम श्री राम जी भारत की पहचान है। मंदिर का निर्माण साल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि श्रद्धालु साल 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर में पहुंचकर रामलला विराजमान के दर्शन कर सके। यानी कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर अपना आकार ले लेगा। वैसे तो ये अभियान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और बीएचपी का है, लेकिन इसमें सभी हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभियान से जुड़े लोग इसे सदी का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान बता रहे हैं। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से मकर संक्रांति 15 जनवरी के शुभ मुहूर्त पर सारे हिंदुस्तान में ये निधि समर्पण अभियान का ये प्रारंभ हो गया। अभी तक प्रचार के दृष्टि से सारे देश में जहां जहां हमारे कार्यकर्ता गए तो हमारे अपेक्षा से भी ज्यादा प्रतिसाद रिस्पॉन्स ये जनता के द्वारा आ गया। राम के संदर्भ में और राम जन्मभूमि के मंदिर के संदर्भ में लोगों में कितना उत्साह है और कितनी श्रद्धा है। मैं तो बहुत सालों से इस आंदोलन से कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूं, तो जैसा 89-90 में माहौल था उससे भी ज्यादा जबरदस्त माहौल गत 1 महीने में सारे देश में मैं देख रहा हूं। राम मंदिर ही वो अहम मुद्दा रहा जिसने बीजेपी को देश की सत्ता के शीर्ष में पहुंचने का मौका दिया है। इसीलिए वो इस अभियान से आम आदमी को ये राम मंदिर निर्माण के लिए चले आंदोलन के इतिहास और अपने योगदान की जानकारी देंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी इस मसले में पीछे नहीं है। मामला सीधे जन भावनाओं से जुड़ा है, इसीलिए वो एक बार फिर कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर है। कांग्रेस ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का अभियान शुरू किया है। खुद मंदिर के लिए धन संग्रह कर रही कांग्रेस बीजेपी पर इस मामले को लेकर जन भावनाओं से खेलने का आरोप भी लगाती जा रही है। हमारा अभियान यहाँ से ये है कि राजीव गांधी जी ने भूमि पूजन किया था राम मंदिर का, अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाया था,
और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर बने। जब राम मंदिर का भूमि पूजन अयोध्या में हुआ तो कमलनाथ जी के निवास पे हनुमान चालीसा हुई, कांग्रेस जनों ने भी हनुमान चालीसा पढ़ी। बहरहाल मसला सीधे लोगों की धार्मिक भावना से जुड़ा है तो इसे भुनाने की भी कोशिश होगी, लेकिन वापस बात अभियान की करें तो इसमें लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अभियान शुरू होने से पहले मध्य भारत प्रांत में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के नाम पर मिल चुकी है। साफ है कि सियासत से इतर ये अभियान अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर उम्मीदों से भी ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।